हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 64 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एसटीआर स्प्लिट एंड चंक स्प्लिट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है हेलो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रिंग के हर करेक्टर को एरे की हर इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर कराना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जैसे एच था वो इंडेक्स 0 पर स्टोर हो गया, ई था वो अलग इंडेक्स पर स्टोर हो गया, एल अलग इंडेक्स पे, दूसरा एल नेक्स्ट इंडेक्स पे, और जो हमारे पास ओ बचा था वो लास्ट इंडेक्स मतलब कि 4 पे सेव हो चुका। तो इस तरह का अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं पीएचपी के अंदर, तो इसके लिए हमारे पास पीएचपी का एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है जिसका हम कहते हैं एसटीआर स्प्लिट। एसटीआर का मतलब है स्ट्रिंग स्प्लिट। इसमें बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है जैसे हमारा वेरिएबल ए, और उसके बाद आता है लेंथ। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर आप इसमें लेंथ नहीं देंगे तो इस स्ट्रिंग का जो हर करेक्टर है वो एक अलग इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। और अगर आप इसमें लेंथ दे देते हैं मान लीजिए जैसे 2, तो उसमें क्या होगा, हर इंडेक्स पे दो दो करेक्टर सेव होते रहेंगे। जैसे 0 इंडेक्स पे भी 2 आ जाएंगे एच और ई, 1 पे आ जाएगा डबल एल और 2 पे आ जाएगा 0। ये फंक्शन दिखने में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था एक्सप्लोड फंक्शन। उसमें बेसिकली हम एक लंबे से स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करते थे एरे के अंदर, और उसके अंदर बेसिकली एक सेपरेटर देते थे कि कहां से हमने उसको एक्सप्लोड करना है। मगर एसटीआर स्प्लिट के अंदर हमें कोई भी सेपरेटर देने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने पहले करेक्टर से ही काम करना शुरू कर देता है, मतलब कि उसको एक्सप्लोड करने का काम शुरू कर देता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट। अब हम अपना देखते हैं दूसरा फंक्शन जिसका नाम है चंक स्प्लिट। यहाँ देखिए हमारे पास वही वेरिएबल है और उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है हेलो। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग की हर करेक्टर को, या आप एक लेंथ ले सकते हैं जैसे 2 करेक्टर को या 3 करेक्टर को मिला के एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं और उसके साथ एक दूसरा स्ट्रिंग एम्बेड करना चाहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने पहले 2 करेक्टर ले लिए, फिर उसके बाद 2 डॉट लगा दी, फिर 2 एल ले लिए, फिर 2 डॉट लगा दी, फिर हमारे पास एक सिंगल ही बचा था तो उसके बाद भी हमने 2 डॉट ऐड कर दी यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ पर डॉट्स लिए हैं, आप कुछ और करेक्टर भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो स्पेशल फंक्शन है पीएचपी के अंदर, उसका नाम है चंक स्प्लिट। चंक स्प्लिट के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग, जैसे हमारे यहाँ पर है वेरिएबल ए। उसके बाद आती है लेंथ, मतलब कि कितने करेक्टर्स को उठाने के बाद आप उसमें चंक ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिए 2, देखिए H और E है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी अपना 2 डॉट्स डाली हैं, आप उसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो जितने करेक्टर के बाद आपको ये चंक डालना है उतनी लेंथ यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है, उसका मतलब होता है कि कितने करेक्टर के बाद आप क्या ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 डॉट्स लगाई हैं, तो 2 डॉट्स आपको एंड वाली जगह पे ऐड करनी पड़ेंगी एज ए स्ट्रिंग। हम यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं, हाइफन भी लगा सकते हैं, जो मर्जी करेक्टर आप कीबोर्ड से लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने अपनी HTML के एडिटर में अपनी एक फाइल बना ली है string.php, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है str नाम से, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है याहू बाबा। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अपना फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ जिसका नाम है str split। स्प्लिट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक पैरामीटर होता है जो होता है बेसिकली एक स्ट्रिंग का नाम। तो जैसे हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग है वो है str, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन हमारे को एक एरे रिटर्न करता है, तो उसको स्टोर कराने के लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एरे नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक एरे, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए मैं प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। प्रिंट आर फंक्शन की फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर भी डाल लेता हूँ, यहाँ देखिए, और इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको एंड भी कर देता हूँ। ये मैंने स्टैक को क्लोज कर दिया। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर हर करेक्टर जो है एरे की एक नई इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर हो चुका है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर जाकर सेकंड पैरामीटर देता हूँ जिसका नाम है लेंथ, मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया 2, तो इसका क्या मतलब है, इस स्ट्रिंग के हर 2 करेक्टर जाके एक नए इंडेक्स पर स्टोर हो जाएंगे एरे के, जैसे वाई ए फिर एच ओ, कुछ इस तरीके से। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, और ये देखिए यहाँ एक एरे बन चुका है और उसके हर इंडेक्स पे यहाँ पर स्ट्रिंग के 2 करेक्टर सेव हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर खाली ओ ही आ रहा है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी आ रही है ओ के बाद, बी से पहले, तो इसने स्पेस को भी काउंट किया यहाँ पर एज ए करेक्टर। तो यही काम होता है इस फंक्शन का एसटीआर स्प्लिट का, ये किसी भी एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकता है। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ जिसका नाम है चंक स्प्लिट। तो ऊपर का स्ट्रिंग यही रहने देते हैं, और यहाँ पर
मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू एस टी आर, मतलब कि न्यू स्ट्रिंग है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है चंक स्प्लिट। इसके अंदर बेसिकली तीन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग का नाम, तो हमारे स्ट्रिंग का नाम है एस टी आर। और उसके बाद यहाँ पर आता है लेंथ, कि कितने करेक्टर्स को छोड़ने के बाद आप चंक ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर 1 ही ले लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है एंड किससे करना है उस चंक का। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इन्वर्टेड कोड के अंदर एक डॉट ले ली, और जो ये हमारा न्यू स्ट्रिंग है इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ हमारे स्ट्रिंग के हर करेक्टर के बाद डॉट ऐड हो चुकी है। इसी को हम कहते हैं चंक स्प्लिट। अगर मैं यहाँ पर जाकर 2 या 3 डॉट लगा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए हर करेक्टर के बाद यहाँ पर जो एंड हो रहा है 3 डॉट से हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर लेंथ को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे 3, तो मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ देखिए हमारे जो स्ट्रिंग था उसके 3 करेक्टर उठाने के बाद इसने 3 डॉट्स ऐड करी हैं यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद 2 O आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर स्पेस भी आ रही है, उसके बाद 3 डॉट्स ऐड करी हैं। तो आप लेंथ में जितना मर्जी दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं। और जैसे अभी मैंने एंड जो किया है वो डॉट से किया है, आप हाइफन भी लगा सकते हैं, कोई न्यूमेरिक साइन भी दे सकते हैं जैसे प्लस माइनस वगैरह का। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर बीच में हाइफन ऐड हो चुके हैं। मैं यहाँ पर एचटीएमएल का टैग भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया br, अब मैंने यहाँ पर ब्रेक टैग लगा दिया यहाँ पे, तो अब हर 3 करेक्टर के बाद यहाँ पर ब्रेक लग जाएगी। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए हर 3 करेक्टर के बाद यहाँ पर ब्रेक लग चुकी है। तो यही काम होता है चंक स्प्लिट का। ये बेसिकली करता क्या है, हम जितनी भी लेंथ देते हैं स्ट्रिंग के अंदर उतने करेक्टर्स के बाद यहाँ पर जो भी हम जिस चीज़ से एंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।